नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज। मैं हूं मेरा जबी। नजीबाबाद कोटद्वार स्थित ग्राम कड़ी नगर चौराहा मां कल्याणी माता मंदिर में श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः 7 बजे कलश यात्रा शिव मंदिर चौक गांव से माता मंदिर पहुंची। कलश यात्रा के कल्याणी माता मंदिर पहुंचने पर मेंट प्रमोद कुमार एवं कल्याणी माता मंदिर समिति के लोगों ने कलश यात्राओं का फूल वर्षा कर स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज मां कल्याणी माता मंदिर ग्राम गढ़ी कोटद्वार रोड चौराहा नजीबाबाद में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें एक कलश यात्रा ग्राम अकबरपुर चौराहा प्राचीन शिव मंदिर से प्रारंभ होकर कल्याण माता मंदिर पहुंची, जिसमें मनमोहक झांकी में 101 महिलाएं कलश सर पर रखकर नंगे पैर चलती हुई अत्यंत मनमोहक लग रही थी। कल से यात्रा में शामिल संरक्षक डॉक्टर सतीश चंद्र कोमल सिंह, विजेंद्र सिंह एडवोकेट, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, प्रचारक राकेश यादव, आदित्य सिंह, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार, संजय पाल भगत, कथावाचक श्री राकेश जी, सुरेश जी, गायक कमलेश सिंह एवं राम नारायण, प्रबंधक प्रमोद जी, प्रबंधक अरुण खन्ना की निर्देशक सत्येंद्र सिंह, संचालन नागेंद्र सिंह, संगीत अध्यक्ष लवकुश एंड पार्टी एवं अन्य शामिल रहे। यात्रा का चौगान से मां कल्याणी माता मंदिर पहुंचने पर महंत प्रमोद कुमार एवं ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार, संचालक नागर सिंह, संरक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने महिलाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर मनमोहक धार्मिक धुन बजाकर मां समान भक्ति में बना दिया। कल्याण माता मंदिर पहुंचने पर यज्ञ एवं हवन का आयोजन भी किया गया, जिसके मुख्य यजमान विक्रम सिंह व उनकी पत्नी रहे। उपरांत मंदिर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ भंडारे का आनंद लिया। जी, मैं कोमल सिंह चौहान, इस मंदिर के अध्यक्ष। ये हमारे यहाँ से हर साल के बाकी एक कलश यात्रा प्रारंभ हुई है, जो चौराहे से लेकर मां कल्याणी माता मंदिर पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम चलता है भागवत कथा का, जो भागवत कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद वितरण होता है। महंत प्रमोद कुमार आज कलश यात्रा ग्राम चौराहे से कल्याणी माता मंदिर पर आए। यहाँ पर भागवत कथा का शुभारंभ आज से प्रारंभ हो जाएगा।